आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बिना लहसुन प्याज के करेला की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग अगर एक बार इस तरह से करेला फ्राई बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और कड़वा भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए फिर से बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए करेला की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप बनाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। तो इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम करेला लिया है। करेला थोड़ा बड़ा साइज का है। करेला को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसको इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे, पतला पतला। तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से कट कर रहा है, उसी तरह से आपको कट कर लेना है। आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरह से इसको गोल गोल कट कर ले। तो आप यहाँ देखेंगे सारे करेला को हमने कट कर लिया है। चलिए अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस करेला में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तक प्रोसेस से करने से आपका करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। चलिए अब 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब इसको इस तरह से हाथों से दबा के इसका हम पानी निचोड़ लेंगे। आप देखेंगे कि इसमें से पानी निकल रहा है। इसी तरह से हथेली में डाल के इसको हम दबा दबा के इसका पानी निचोड़ के हटा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि करेला में से पानी निकला है। चलिए फिर अब हम बनाते हैं करेला फ्राई। अब इस थाली में क्या करेंगे कि हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। 2 चम्मच बेसन के साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो करेला में डाल दिया हमने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच से कम हमने डाला है धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल के इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डाल दिया हमने। नमक डालने के साथ ही इसको आपस में अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से इसको चारों तरफ से मिक्स कर लेना है। इसमें 2 से 3 चम्मच पानी का छींटा दे के हम इसको आपस में फिर से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि करेला के चारों तरफ हमने इस बेसन और चावल वाले आटे को अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। चलिए अब करेला फ्राई आपको बताते हैं बना के। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे चढ़ा दिया है हमने कढ़ाई। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तेल अब गर्म हो चुका है। इसमें हमने आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद इसको चटकने देंगे और तेल को चारों तरफ से घुमाते हुए कढ़ाई में लगा देंगे, जिससे कि करेला डालने पर चिपकेगा नहीं। तेल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें करेला डालते जाएंगे चारों तरफ से इस तरह से फैला के। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हम करेला डाल रहे हैं कढ़ाई में, उसी तरह से डालते जाना है। यह करेला फ्राई आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आधे मिनट के बाद इसको हम दूसरी तरफ से मिलाते हुए चला लेंगे और इसको चारों तरफ से इसी तरह से फैलाएंगे। आप देख सकते हो लो टू मीडियम फ्लेम पे इस करेला को हम भून लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो करेला को हम किस तरह से भून रहे हैं, उसी तरह से आपको भून लेना है। लास्ट में 1 मिनट पहले हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। तो आप यहाँ देख सकते हो अमचूर पाउडर हमने डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेंगे। करेला फ्राई की वीडियो की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करेला की ये सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप लोग एक बार मेरे तरीके से करेला फ्राई की रेसिपी बनाइए। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।